आतंकवादी हमला होने वाला है, टीवी चैनल बोल रहे हैं, तो ये केवल चुनावी रैलियों में लग रहे थे। और सर बड़े शर्म की बात है, अभी तक चिताएं भी नहीं जली, ठंडी होने की बात तो बहुत दूर की है, और झांसी के अंतर्गत में मोदी जी वोट मांग रहे थे। और कोई नेता मांगे तो बात अलग है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान से साठ गांठ करके, आतंकवादियों से साठ गांठ करके हमारे भोले भाले सैनिकों पर हमला कराया, और अब ये देखना इस हमले को ये खूब भुनाएंगे, वोट मांगेंगे आतंकवादियों का दमन करने के नाम पर। मैं ये कहता हूँ, इतना बारूद यदि इनकी साठ गांठ नहीं थी तो वहाँ कैसे आया। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि मोदी और शाह की साठ गांठ से ये आतंकवादी हमला हुआ, केवल इसलिए कि हमने 21 फरवरी को अयोध्या के अंतर्गत में ऐलान किया था शंकराचार्य जी के सानिध्य से कि हिंदू सेना और जितने भी संत समाज हैं 21 फरवरी को अयोध्या का मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। ये लोग घबरा गए, इनको विजिलेंस ने, सीबीआई ने, विजिलेंस ने, सभी ने कहा, परंतु ये नहीं माने। इन्होंने किसी को समय नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और इसका दायित्व इनके ऊपर जाता है। ये हमला कराने के साठ गांठ के अंतर्गत में इनका नार्गो टेस्ट कराया जाए और इसके पश्चात तब इनको दंड दिया जाए। मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों को फांसी देनी चाहिए, इन्हें देशद्रोह किया है, इन देश के साथ और हमारे फौजी भाइयों के साथ गद्दारी की है। मैं संचुबराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना, मेरा नंबर 9992740406। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और देश के इन गद्दारों को, जिन्होंने आतंकवादियों के चेतावनी पर ध्यान ना दिया और उन्हें उकसाया और जगह जगह भाषाओं के अंतर्गत में, सभाओं के अंतर्गत में 56 इंच का सीना बताते हैं, अब तुम्हारा सीना देखा जाए।